प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव कार्यक्रम के तहत दोपहर 1 बजे पात्रों से लाइव जुड़कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इसी के अंतर्गत गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के कल्याण हेतु पात्र व्यक्तियों में निःशुल्क अन्न वितरण एवं बैग वितरण का कार्यक्रम महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में निजामपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर किया गया तथा पात्र व्यक्तियों को राशन का वितरण भी किया गया। इसी के साथ प्रदेश सरकार के विकास योजनाओं का बुकलेट और मुख्यमंत्री का पत्र भी वितरित किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को आभार ज्ञापित किया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का यह उद्देश्य है कि अन्न के बिना उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवार भूखा ना रहे। इसी उद्देश्य से यह अन्न वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो महीने में 2 बार पात्र व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। यह अन्न वितरण कार्यक्रम विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण की योजना है। यह अन्न वितरण कार्यक्रम दीपावली तक चलता रहेगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अजय कुमार सिंह सहित अन्य लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, आज का जो कारण एक बार से होगा उसमें बताएंगे कि हम क्या योजना दे रहे हैं, क्या हम आपको अपनी सुविधा प्रधानमंत्री जी बताएंगे। हमारे मेयर साहब हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को आज के दिन अनाज उपलब्ध कराया जाए। आपने हमारे क्षेत्रीय अधिकारी से सुना है कि लाल कार्ड और सफेद कार्ड दोनों द्वारा पात्र व्यक्ति को राशन बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मोदी जी की योजना को, योगी जी की योजना को जमीन पर पारदर्शी तरीके से हमारा डिपार्टमेंट सप्लाई, हमारे MP भी इस पर नजर रखते हुए आज कहीं ना कहीं आप लोग उस जगह पर जाए और कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो अवगत कराए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण के इस बेहद कार्यक्रम में प्रदेश के 80,000 से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित ठीक है कार्यक्रम में है अभी आते हैं दुकानों में के माध्यम से आएंगे 15 करोड़ थोड़ी देर बाद आते हैं उन लाभार्थियों को प्राप्त होने जा रहा है। उनके अनुकंपा से प्रथम लहर में 20 से लेकर के नवंबर 2020 तक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मई 2021 से नवंबर माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन धरा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने इस महामारी के खिलाफ जिस प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, न केवल देश के अंदर आम नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने का यह एक अभिनव अभियान रहा है, दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इस पूरे कार्यक्रम
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। आभार व्यक्त करता हूं कोविड-19 के पहली लहर की आहट के दौरान ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सतर्क करते हुए कुछ आवश्यक मार्गदर्शन किया था और समय समय पर उनका योग्य मार्गदर्शन पूरा देशवासियों को प्राप्त होता रहा। लोगों का कोविड टेस्ट करके जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए, जिसे एक अन्न योजना की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिस बड़े अभियान के माध्यम से उस हर एक जरूरतमंद को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी मई 2021 से मई जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है। ये वाटर प्रूफ बैग आज इस बृहद योजना के साथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति न केवल शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने बल्कि कोरोना महामारी से उसे सतर्क रहने के लिए भी आज यह बैग उन्हें इस राशन किट के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। चलिए श्रीमती बदामी जी, नमस्ते। नमस्ते सर। बदामी जी, आपके परिवार में पानी हम सब है, तीन के बच्चे हैं। आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई कि कहीं ले गए लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? ना सर, पर हमने जो तकलीफ नहीं कर पिछला कल नौ महीना मिला, दो महीना उनके राशन जैसे मिला करते, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में दो बार राशन मिलता मंत्री दिन, हमके खूब सवाली जा सुन सका तैयार हो रही तैयार। अभी तो दिवाली का देने वाला हूँ। गंगोत्री आपको राशन मिला? हाँ, सरकार से। हाँ, सरकार की तरफ से मिला है। कितना लाभदायक है? 10 किलो चावल, 12 किलो। इसी राशन से कितना सहायता मिला? सहायता कितना मिला इससे? बहुत कुछ। रजनी, सरकार फ्री राशन दे रही है क्या? अच्छा कर रही है। हाँ है, राशन मिलता है हम लोग को। चंदा, सरकार फ्री राशन दे रही है? हाँ, राशन फ्री दे रहा है। क्या करना चाहेंगे, बढ़िया है। गेहूँ चावल सब कुछ मिला हम लोग के, आराम से खा रहे हैं, और क्या, फ्री के। आज पूरे देश में केंद्र सरकार की योजना, देश में कोई भूखा ना रहे, उसके तहत बड़े पैमाने पर पात्र व्यक्तियों को चावल और गेहूं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश में भी एक कार्य बड़े ही तेज़ी से चल रहा है। हर दुकानों पर जहां गरीब लोगों को, पात्र लोगों को अनाज दिया जा रहा है, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि जा करके इस काम की पारदर्शिता को देख रहा है। किसी को कोई कठिनाई हो इसके लिए पूरी तरह से पहल कर रहा है। भारत सरकार चाहती है कि हर पात्र और गरीब व्यक्ति को अनाज मिले, उसी के तहत पूरे बड़े पैमाने पर यह अनाज का वितरण किया जा रहा है। एक यूनिट पर एक परिवार को
खाने भर का पूरा चावल और गेहूं सरकार मुहैया कर रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान मोदी जी ने चलाया है। इस अभियान से हर व्यक्ति को फायदा होगा और कोई विदेश में भूखा नहीं रहेगा। आज मैं भी एक केंद्र पर गया था और वहाँ पर देखा, लोगों से पूछा कि सही अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अनाज की क्वालिटी क्या है, इसका वजन सही है कि नहीं है। मैंने चेक किया और सही पाया कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ सभी को मिल रहा है और लोग प्रसन्नता पूर्वक ले जा रहे हैं। मोदी जी योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने गैस कनेक्शन, चूल्हा, बिजली, साथ ही साथ आपको मकान, मोदी जी की योजना है योगी जी की कि पूरे देश में 2022 तक हर गरीब व्यक्ति को मकान मिले और इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी जी ने झांसी, कुशीनगर और कई अन्य जगह लाभार्थियों से डायरेक्ट अपना बात किया है और उनको ये प्रसन्नता हुई है कि जो योजना सरकार चलाई है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आगे चुनाव है, हम सभी लोगों को चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा गरीब जनता को, सबको बिना भेदभाव को मिले। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ हमें उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा लाएंगे, तो हमारे मोदी जी योगी जी की ताकत मजबूत होगी और गरीबों की भलाई में अनवरत काम एक होता रहेगा। योगी जी एक योगी की तरह बड़े ही मेहनत के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं, हम सब ने अपने आँखों से देखा है और देख रहे हैं। ज़रूरत है कि जनता को बताया जाए, उनको समझाया जाए कि आज तक आज़ादी के बाद इतनी बड़ी योजना किसी भी ने भी नहीं चलाई थी। वहाँ से अनाज चलता था केंद्र से, घरों तक नहीं पहुंचता था, कहाँ चला जाता था, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। लेकिन आज जो वहाँ से चल रहा है सीधे जनता को मिल रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।